सवाल है रविकांत जी, अब गांधी तो आएंगे नहीं वापस, गांधी की विचारधारा को भी लोगों ने बाजार से धीरे धीरे हटाने का प्रयास किया, राजनीतिक बाजार से। गांधी अब भी आम आदमी के दिमाग में और दिल में जिंदा है। अभी तक जो देखा जा रहा है कि जातिगत आरक्षण, जातिगत मुद्दा या जातियों की अपनी इंपॉर्टेंस सिर्फ चुनावी है, चुनाव जाते ही वो फिर उसी दहलीज पे पहुंच जाती हैं जहां से ये सब कवायद शुरू हुई थी। तो ऐसा लगता नहीं कि जैसे 1991 में नरसिम्हा राव ने 10% सवर्णों में अगड़ी जातियों में पिछड़े लोगों को आरक्षण देने की बात कही, तो शुरुआत तो उन्होंने वहां से कर दी, लेकिन वो 10% आरक्षण और अगड़ों में मतलब आर्थिक रूप से कमजोर लोग, जो गरीब लोग, और उनकी गरीबी और आज मोदी जी की जो गरीबी है, अब तो ओबीसी, पिछड़े, दलित सबसे हटकर मोदी जी ने जाति का एक नाम दे दिया है कि गरीबी मेरी जाति है। तो अगर गरीबी जाति है और जातिगत आरक्षण एक तरफ है, जहां यह निकल कर आ रहा है कि एक एक जाति के पास कितने नंबर्स हैं और उनको कितना मिला है अब तक, तो कुछ तो जातियां लगभग खात्मे की तरफ हैं। तो लगता नहीं है कि इस अमृत काल तक आते आते कुछ जातियां अपने आप दम तोड़ चुकी, जो समाज में लड़ नहीं पाई, जो सर्वाइव नहीं कर पाई। हाँ डेफिनेटली, आप मोदी जी ने तो वो आंकड़ा 81 करोड़ तक पहुंचा दिया जिनको वो 5 किलो राशन दे रहे हैं, और जुमला उन्होंने बखूबी दिया, ईडब्ल्यूएस दिया 10%, सरकारी नौकरियां तो खत्म हो गई। पहली बात तो ये है कि संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, और इसीलिए हम लोग बराबर कहते हैं कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण जो है वो सामाजिक भेदभाव और उत्पीड़न का एक तरह का मुआवजा था, और अंबेडकर उस पूना पैक्ट के लिए जब तैयार हुए थे, गांधी ने उसके लिए बाकायदा स्पष्ट रूप से कहा था और ये लिखा भी हुआ था कि ये जब भी इसमें कुछ भी डाइल्यूजन होगा तो दोनों की सहमति से होगा। डाइल्यूजन की बात थी, उसको बढ़ाने की बात नहीं थी, लेकिन खैर चूंकि सियासत जब आरक्षण पर ही चलने लगे तो ऑब्वियस है कि उसमें ईडब्ल्यूएस बुक को भी उसी तरह से लाया गया, और उसका फायदा बीजेपी को हुआ भी 2019 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन ये तो समझ में आ ही रहा है कि आपने सारे पीएससी उठा करके बेच दिए हैं, तो सरकारी नौकरी मिलेगी तो मिलेगी कहाँ? जो थर्ड क्लास फोर्थ क्लास की नौकरियां थी वो आप ठेके पर लेकर के आ रहे हैं, तो अब नौकरियां ही नहीं है तो आरक्षण तो बेमानी हो ही जा रहा है, और ये बीजेपी की अपनी स्ट्रेटजी है, वो यही चाहते हैं कि आरक्षण को बेमानी कर दिया जाए, मजाक बना दिया जाए, ताकि लोग फिर आरक्षण को भूल जाए और काम खत्म हो। क्योंकि बीजेपी शुरू से ही, जनसंघ के जमाने से ही, आरएसएस के जमाने से ही वो आरक्षण विरोधी रही है, और ये कोई आज की नई बात नहीं है। बीच बीच में उन्होंने इस बात को कहा भी, वो बात अलग है कि उसके चक्कर में वो चुनाव हार गए 2015 में, कहा ही था मोहन भागवत ने कि आरक्षण पर समीक्षा होनी चाहिए, वो जब वो लुट गया चुनाव तो उसके बाद उनको समझ में आया। आप कह रहे ही नहीं साहब, जब तक वो रहना चाहिए, जब तक उत्पीड़न खत्म नहीं हो जाता। मोहन भागवत तो यहां तक अब कहने लगे हैं कि ये हमारे पुरखों ने उत्पीड़न किया था, मतलब वो भाषा है जो कभी गांधी बोलते थे, लेकिन गांधी दिल से बोलते थे, ये सिर्फ जुबान से बोल रहा है, ये मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ। और यहाँ वो ईमानदारी है ही नहीं। आरएसएस जहां से निकल करके आता है, वो पेशवाई समाज से, उसी पेशवाई समाज में सबसे बुरी हालत अछूतों की थी, जहां से डॉक्टर अंबेडकर उसी राज्य से आते थे, जहां पे मटकी बांधनी पड़ती थी, झाड़ू बांधनी पड़ती थी, वहां पे ये हालत थे। तो उसी महाराष्ट्र की जमीन से आरक्षण की शुरुआत सबसे पहले शाहू जी महाराज ने की 1902 से, कोई ये पहली बार नहीं, अब 1947 में नहीं हुआ, 1902 से उसकी शुरुआत हो गई थी, और धीरे धीरे वो आकर के यहाँ तक चलता है। तो ये एक सोशल मुआवजा था कि आपने जो हजारों साल तक उनको पढ़ने नहीं दिया गया, आपने उनको खाना नहीं दिया कायदे से, उनके पास धन दौलत नहीं हो सकती थी, तो आपने शिक्षा छीन ली, आपने शस्त्र छीन लिए, आपने संपत्ति छीन ली, वो कैसे लोकतंत्र में उनको हासिल हो? इसके लिए अवसर ही वो आरक्षण था, लेकिन अब आरक्षण को मजाक बना करके आरएसएस बीजेपी रख दे रही है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो अभी की सियासत चल रही है विपक्ष की, वो इसे और मजबूत कर रही है, और आने वाले वक्त में आप देखिएगा, जैसे वहां 75% हो गया, अभी ये कई राज्यों में होगा। दरअसल जो जातियां, जो तबके पीछे छूट गए हैं, उनकी वो भूख अब पैदा हो रही है, उनको भी मिलना चाहिए। और मैं तो पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, दलितों में जो भी कमजोर है उनको उनको भी मिलना चाहिए, भले ही अगर आपको
दलितों के भीतर कोई आपको लेयर बनानी हो तो बिल्कुल बनाई जानी चाहिए, जो कमजोर है पीछे छूट रहे हैं उनको पहले अवसर मिलना चाहिए, यही आरक्षण का मतलब भी तो यही है ना, या पिछड़ों में जो अति पिछड़ा है उसको पहले मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, तभी हम एक समावेशी राष्ट्र बना सकते हैं। अदरवाइज आप केवल आरक्षण को राजनीति का एक अस्त्र बना करके छोड़ देंगे।